Hey guys, assalamu alaikum. Adnan Farooq here, adnanfarooq.com and what a topic I have for you guys today. Uh, how to lose permanently, how to be in shape permanently. That's the topic and if you are like 99.9% .9 of the people you want it permanently. I mean agar aap khud ya aap kisi ko bhi jante वेट लॉस करने की कोशिश की हो तो कोई ये कहता है कि मैं टेम्परि वेट लूज करना चाहता हूँ आई मीन हैव यू एवर हर्ड समथिंग एज एब्सर्ड एज आई वॉन्ट टू लूज वेट फॉर जस्ट अ फ्यू वीक्स आई मीन देर आर फ्यू पीपल हु से दिस बट दे आर इन द माइनॉरिटी बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नो बडी वॉन्ट्स अ गुड थिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड अ टाइम आप पैसा लगाएं आप अपनी मेहनत लगाएं आप अपने एफर्ट लगाएं ऑल फॉर वाट बिकॉज यू वांट लॉन्ग टर्म रिजल्ट बट अनफॉर्चुनेटली आपका कहना आपका इरादा और आपके जो एक्शंस हैं जो आपका तरीक़ेकार है इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है सो इफ यू स्टिक विद मी टिल देंड ऑफ दिस प्रजेंटेशन वट एम गोइंग टू डू इज़ पहला जो सेगमेंट है वो मैंने अपनी बात के लिए रखा है और आखिरी जो Dakar, पांच मिनट हैं उसके अंदर वी विल बी आस्किंग आंसरिंग क्वेश्चन सो देर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई रियल टाइम मैं कॉमेंट्स के ऊपर भी नहीं जाऊंगा बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दैट अदनान वी नीड योर आंसर्स स्ट्रेट अवे सो लॉट ऑफ गुड स्टफ हैपनिंग हेयर और सो बात करते हैं परमानेंट वेट लॉस की पहले तो ये समझ लें कि दिस इज नॉट एन लूजन दिस इज नॉट समथिंग आई एम ट्राइंग टू सेल टू यू जस्ट टू गेट योर अटेंशन बिकॉज इफ यू डू थिंग्स द राइट वे एंड देर आर पीपल हु डू इट फॉर द लॉन्ग टर्म सो इट इज क्वाइट पॉसिबल इट इज डूएबल इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ लॉजिक यू नो मैं यूजअली लोगों से मजाक करता होता हूँ कि दुनिया चा, लोग चांद पे चले गए में लेकिन हम वेट लूज परमानेंटली नहीं करना कर, कर सके डज दैट मेक सेंस सो आई थिंक इट गिव्स यू अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू नो सम थिंग्स आर पॉसिबल बट यू हैव टू डू इट द राइट वे फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द है एंड uh, सर दर्द के लिए आपको पता है कि कौन सी गोली खानी है और कितनी उसकी पोटेंसी होनी है अगर आप उस पोटेंसी को उस दवाई को नहीं खाएंगे नींद की गोली खा लेंगे कोई और चीज़ खा लेंगे एंटीबायोटिक खा लेंगे हाउ इज़ आई गन टू हेल्प यू हैड एक द सेम थिंग हम एक्सरसाइज की या फिटनेस की लैंग्वेज में ना एक वर्ड यूज करते हैं प्रिस्क्रिप्शन जो कि आपने सुना होगा उस प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो आपका प्लान है जिसके अंदर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज और बाकी सारे मामला हैं देव टू बी गेयर टू वर्ड्स परमानेंट वेट लॉस परमानेंटली डूइंग द राइट स्टाफ सो वर्ड्स कैन हैपन इज बिकॉज ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसको मैंने दो पार्ट्स में तकसीम किया है सो इन द फर्स्ट पार्ट विच इज़ टूडे आई एम टू टॉक अबाउट द माइंड सेट एंड अबाउट द लाइफ स्टाइल स्टफ़ एंड इंटरेस्टिंगली इफ़ यू आर अराउंड नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू गिव यू सम लैब टेस्ट जिनसे आपको ये पता लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के क्या मामलों हैं आपके हॉर्मोनल सिचुएशन क्या है एंड वट कैन यू डू टू दैम सो

समझदार इंसान कभी भी कोई चीज़ करने जाता है ना तो सबसे पहले उसका प्लान करता है उसका एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाता है उसकी एक अप्रोच को डिसाइड करता है फिर वो चलता है आगे और बेवकूफ क्या करता है सोचे समझे चलना शुरू कर देता है बहुत सोचे समझे करना शुरू कर देता है और हमारी फिटनेस और वेट लॉस इंडस्ट्री का डायलमा पता क्या है कि पुरानी चीज़ें इतनी चल रही हैं और आउटडेटेड अप्रोच इतनी हमारे जहनों में और हमारे दिमागों में बैठी हुई है कि हम किसी नई चीज़ को अप्रोच ही नहीं करते विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम पाकिस्तानी तो वैसे भी यू you नो know, हमारे लिए कोई नई चीज़ एक्सेप्ट करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज वी हैव अ वेरी फिक्स माइंड सेट सो आई वॉन्ट यू टू ओपन योर माइंड बिकॉज वेन यू ओपन योर माइंड यू विल स्टार्ट सींग बेटर रिजल्ट ठीक है तो माइंड सेट की मैं क्या बात कर रहा हूँ लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स पिछली दफ़ा जब आपने वेट लूज़ किया जो जो तरीके आपने किए जो आपने डाइट की उस डाइट के अंदर जितनी आपने काब्स को खींचा या जो भी आपने प्रोटीन का मामला किया लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स इट वॉज दैट अप्रोच दैट लेड टू वेट रीगेन आई मीन वेट रीगेन एक ऐसी सिचुएशन है कि जब इंसान पतला होता है तो लोग तालियां बचाते हैं लोग अपलॉज करते हैं लोग अप्रीशिएट करते हैं लेकिन जब वेट गेन होता है तो वही लोग ताने भी मारते हैं तो मेरा मकसद और यू नो आई एम रीचिंग आउट टू यू गायज एंड आई एम सेग टू यू अवॉइड दैट यू कैन अवॉइड ऑल ऑफ दैट इफ दिस टाइम यू डू इट द राइट वे सो लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स मीन्स आपकी वो जो एक्सरसाइज थी जो आपने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जो आपने डेढ़ डेढ़ घंटा वर्कआउट्स किया जो भी किया आई डोंट नो वॉट यू डिड

कि यू नो एवरीबडी हैज़ देर फिटनेस गोल्स मेरे भी गोल्स हैं मैं भी अपना बॉडी फैट चेक करता हूँ मैं भी अपना वेट चेक करता हूँ मैं भी अपनी इंचज़ चेक करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हर हफ्ते में जो अपनी ये प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर रहा होता हूँ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंशन किया था बाय द वे इफ़ यू हैवन सीन माई लास्ट वीडियो ऑन प्रोग्रेस ट्रैकिंग गो टू माई YouTube चैनल एंड वॉच द वीडियो एजुकेट योर सेल्फ आपको पता लगेगा कि आपने किस तरीके से अपने वेट लॉस को लेकर चलना है और हाउ टू चार्ट योर प्रोग्रेस तो बात में ये कर रहा था कि जब आप पेशेंस के साथ चलते हैं मैं जब अपना प्रोग्रेस ट्रैकिंग करता हूं तो कभी ऊपर होता है वेट कभी नीचे होता है सम डेज इट विल बी अदर डेज इट विल बी डाउन एंड आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट इट टेक्स टाइम सो मैंने मैंने क्या देखना है कि एक ओवरऑल ट्रेंड देखना है कि पिछले चार हफ्तों में पाँच हफ्तों में मेरा वेट मेरे बॉडी फैट मेरे इंचेस किस तरह जा रहे हैं तो अगर किसी हफ्ते वो ऊपर नीचे हो जाता है इंसान है जिंदगी है हो जाता है तो मैं उसके अंदर दिल बर्दाश्त नहीं होता तो माइंड की अप्रोच के हवाले से बात क्या कर रहा करूँ कि गिव योर द टाइम ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ टेक टाइम अगर आप ये अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर हफ्ते मिसाल के तौर पर लोग अपने आप को ना अजीब अजीब से टारगेट्स देते हैं मैंने कितनी दफ़ा आई बिन स्पेंड 20 प्लस इयर्स इन दिस इंडस्ट्री तो लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं कि अगर एक एक हफ्ते में एक के जी लूज़ हो तो इसका मतलब है चार हफ्तों में चार केजी के जी लूज होएगा योर बॉडी इज़ नॉट अ कैलकुलेटर एंड यू आर नॉट अ मशीन कभी होएगा कि ऊंच नीच हो जाएगी और जब ऊंच नीच होएगी उसका मार्जिन रखने की ज़रूरत है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऑल आई एम सेग इज बी पेशेंट एंड ट्रीट इट एज अ प्रोसेस नाओ प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि आप पाँच सालों का मंसूबा बना रहे हैं या कोई आप महीनों पे बात लेके जा रहे हैं मैं हफ़्तों की बात कर रहा हूँ आपसे कि जिन लोगों ने अपने आप को दिनों का हिसाब दिया होता है वेट लॉस के अंदर उनको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करके वीक्स पे जाने की ज़रूरत है एंड गिव योर सेल्फ अट ऑफ मार्जिन दैट वे कि आई विल नीड अबाउट सिक्स वीक्स एट वीक्स ट्वेल्व वीक्स दैट्स हाउ यू शुड वर्कआउट आई नॉट टॉक अबाउट मंथस हेयर ठीक है माइंड सेट की ये दो बातें हैं जो uh, बड़ी ज़रूरी हैं दूसरी चीज जो इम्पॉर्टेंट है इफ योर गोल इज लॉन्ग टर्म परमानेंट वेट लॉस यू नीड टू अंडरस्टैंड इट मस्ट बी अ लाइफ स्टाइल अप्रोच मेरी बात को यह आप लिख लीजिएगा कि लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इट्स अबाउट अ हेल्थी लाइफ स्टाइल बट दे डोंट नो वट इट मीन्स टू अडोप्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल आपकी डेफिनेशन हेल्थी लाइफ स्टाइल की क्या है कि आज आप प्लान बनवाएंगे ट्रेनर से न्यूट्रिशनिस्ट से प्लान बनवाएंगे और वो एक बड़ा आइडियलिस्टिक किस्म का प्लान होएगा उसके अंदर काब्स के अमाउंट होगी जो बड़ी डिफाइंड होगी प्रोटीन की अमाउंट होंगी बड़ी डिफाइंड होएंगी हर चीज एक बड़ी आइडियल सीनैरियो में बनी हुई होगी आप आज कुछ कर रहे थे आज, आज आप 300 ग्राम काब्स खा रहे थे आज आप 10 ग्राम प्रोटीन खा रहे थे सडनली वन फाइन डे विच इज़ टमोारो यू आर आस्ट टू रिड्यूस योर 300 हंड्रेड ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू 50 ग्राम्स यू आर सडनली आस्ट टू रिड्यूस योर टी इनटेक के जो आप पाँच कप चाय पीते थे या कॉफ़ी पीते थे सडनली आपको कहा जा रहा है कि जी आपने एक कप पे आना है आप पूरे दिन में एक ग्लास पानी पीते थे आपको सडनली अगले दिन दस ग्लास पानी पीना पड़ रहा है मेरी बात समझ रहे हैं आप सो so ये जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं ना ये जितने भी हेल्थी होंगे जितने भी हेल्थी होंगे ये सस्टेनेबल नहीं हो सकते क्योंकि इंसान आदत से मजबूर है वी आर ऑल क्रीचर्स ऑफ हैबिट वट एम ट्राइंग टू इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट परमानेंटली यू वॉन्ट टू मेक इट ग्रेजुअल यू वॉन्ट टू गिव योर सेल्फ अ लिटिल बिड ऑफ टाइम सो आपकी हैबिट्स आहिस्ता आस्ता चेंज हो इंसान की आदतें ग्रेजुअली चेंज होती हैं ओवर नाइट चेंज नहीं होती हैं एंड दैट्स वे द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू वॉन्ट अ लाइफ स्टाइल यू वॉन्ट टू मेक इट ग्रेजुअल और उसका तरीका क्या है ये भी सुन लें सबसे पहली चीज आपने अगर पर्मांट वेट लॉस की तरफ जाना है तो आपको लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर क्या तरीकेकार है कि यू वुल नीड टू रिड्यूस य काब्स ग्रेजुअली अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है थ्री हंड्रेड ग्राम्स काब्स फॉर एग्जाम्पल आप सुबह नाश्ते में भी दो टोस्ट दो, स्लाइसिस uh, के खाते हैं ठीक है यू हैव एन ब्रेकफस्ट लंच हैव राइस और चपाती रात को भी आप राइस या चपाती खाते हैं ठीक है सो अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड ग्राम्स मिसाल के तौर पर आई डोंट नो वट टू ईट अब आपने इस 200 हंड्रेड ग्राम्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करना है कि आपने जो सुबह के टाइम आप दो स्लाइसिस ले रहे थे आप उसको डेट करेंगे पहले वन एंड हाफ इसी तरह ही दोपहर को जो आप खा रहे थे लेट्स से यू वर हैविंग टेन टेबल स्पून ऑफ राइस फॉर एग्जांपल यू विल ब्रिंग इट डाउन टू सेवन और एट इसी तरह ही आप रात के अंदर चेंज करेंगे इसके साथ साथ आपकी हो सकता है कि ओवरऑल पूरे दिन के अंदर प्रोटीन की इंटेक है ही नहीं ठीक है तो आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन की इंटेक भी ऐड करेंगे कि आपने सुबह अगर फॉर एग्जाम्पल यूर हैविंग जस्ट वन फ्राइड एग मे बी यू कैन स्लोली ग्रेजुअली एड अनदर फ्राइड एग ताकि प्रोटीन की इंटेक थोड़ी सी बढ़े हो सकता है कि दोपहर को आप प्रोटीन खा ही ना रहे हो तो उसके अंदर भी एक छोटा सा पीस ऐड कर दिया इतना सा वट आर यू ट्राइंग टू डू यू आर टेलिंग योर बॉडी एंड यू टेलिंग योर यू ट्रेनिंग योर माइंड टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स उससे क्या होएगा कि जितने आप चेंजेस को स्लो करोगे ना उतनी ही आपकी बॉडी और आपकी साइकोलॉजी उसको एक्सेप्ट करेगी आप पाँच कप चाय पीते थे आप उसको पहले चार कप पर लेके आओगे फिर आप उसको तीन कप पे लेके आओगे दैट्स हाउ यू डू इट दैट्स वट इट मीनस विद अ लाइफ स्टाइल अप्रोच ठीक है तीसरी बात ये कि जो हमने चीज़ों को परमानेंट वेट लॉस की तरफ लेके जाना है आपकी अप्रोच के अंदर जितनी प्रैक्टिकलिटी होगी, उतना ही वो काम अच्छा बनेगा वट डू आई मीन बाय दैट के जब यूजुअली वेट लॉस प्लान पर लोग जाते हैं तो ईटिंग आउट बिकम्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि बाहर नहीं खाना अवॉइड करना है और अगर उस दिन यू नो वन ऑफ माय क्लाइंट्स बाहर गए हुए थे हैं, तो जी बर्गर खाएं तो बनलेस बर्गर खा लिया कि जी लेटस रैप बर्गर खा लिया है यार कम ऑन आई मीन डू यू रियली एक्सपेक्ट कि आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें तो आप जिंदगी में लेटेस्ट uh, बर्गर uh, ही खाएंगे आप बन खाएँगे नहीं आई I मीन mean, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है बट आई हैवन बिन एबल टू डू इट एन एम पटी श्योर अ लॉड ऑफ पीपल वॉन्ट भी एबल टू डू इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू कहने का मेरा मकसद ये है आप बाहर जाएँ और आप बाहर भी जाएं तो आप को पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी चीज़ें खानी हैं फॉर एग्जाम्पल आपको आप बाहर जाके खा रहे हैं तो आपने ये देखा है कि मैंने अगर अगर फॉर एग्जाम्पल बर्गर और फ्राइज ऑर्डर किए और साथ एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किए तो मैं कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर रहा हूँ अगर और अगर फ्राइज़ खा रहे हैं तो फ्राइज को अवॉइड कर रहे हैं सिर्फ बर्गर खा रहे हैं यू you नो know, इस तरह की चीज़ें हैं यू डोंट हैव टू मेक सो पेनफुल चेंजेस कि जो आप कभी उसको प्रैक्टिकल कर ही ना सकें आप अपनी जर्नी में जब भी कोई चेंज लेके आए अपने आप से ये पूछें कि कैन दिस बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल ऑन ऑन अ रेगुलर बेसिस इफ द आंसर इज नो देन यू नीड टू टेक अ कपल ऑफ स्टेप्स बैक एंड यू नीड टू मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ तो दीज आर दिंग्स दैट वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन अब जो टाइम चूंकि हमारे पास कम है तो I am going to talk about the lab tests in my next session, or us session I am going to talk in real detail about what tests you need. Unke karne se aapko pata lagega apni inflammation, hormonal balance, and all of these things that control your metabolism and, and your, your, your healthy weight loss. So we will talk about that in the next session. Ab I aana raha questions So uh, Amna Faisal, uh, sorry Amaz Faisal. Uh, uh, पूछ रहे हैं कैन यू गिव ए डाइट प्लान अमास व्हाट वी विल डू इज वी विल आई विल इन माई नेक्स्ट सेशन आई विल गिव यू सम फूड गाइडलाइंस के आपको क्या खानी क्या नहीं खानी होता यह है कि आई डोंट नो वे यू आर राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ योर न्यूट्रिशन वही वाली बात हो जाएगी कि अगर मैं आपको एक फिक्स प्लान बता दूंगा so I don't know how many grams of carbs you're having so it would wouldn't make sense but I will certainly share in my next session the dietary guidelines quantities that will help you so I hope that is going to um, uh, you know solve a lot of that issue uh, uske baad, aage hain. Uh, uh, Amaz rahe, suggest a workout okay interesting Amaz, uh, workout in my approach is not a big deal I say that workout, से ज़्यादा बहुत और बहुत सारी चीज़ें हैं वर्कआउट भी जरूरी है लेकिन उसको ओवर एम्फरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है आई एम अ बिग फैन ऑफ वर्किंग आउट जस्ट थ्री टाइम्स और मैक्सिमम मैक्सिमम फोर टाइम्स अ वीक एंड आई बिलीव इन ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स ऑफ वर्कआउट एंड इट डजन हैव टू बी हाई इंटेंसिटी इट कैन बी मॉडरेट इंटेंसिटी इट कैन बी अ टोटल बॉडी वर्कआउट बट वट इट शुड बी इज आप जो बॉडी पार्ट्स की अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं दैट इज वट आई एम अगेंस्ट बिकॉज ये जो बाइसेप्स की चेस्ट की टांगों की अलग अलग एक्सरसाइज हैं इनका मकसद हाइपर होता है मसल गेन होता है योर गोल इज इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली योर गोल इज फैट लॉस नॉट मसल गेन दे आर टू डिफरेंट थिंग्स सो जब हम मसल गेन की तरफ जाएंगे तो वो एक अलदा डिस्कशन होएगी हम इस वक्त फैट लॉस की बात कर रहे हैं और फैट लॉस के लिए ये वाला वर्कआउट फिट नहीं करता यू वॉन्ट टू ट्रेन द टोटल बॉडी इन वन डे एंड यू वॉन्ट टू कीप द टोटल नंबर ऑफ सेट्स लो दस से बारह मैक्सिमम पंद्रह सेट्स आप एक दिन में करेंगे जिसके अंदर आप टोटल बॉडी को कवर करेंगे एंड यू डू इट फॉर अबाउट थर्टी मिनट्स मैक्सिमम दैट इज़ इट कीपिंग थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज आप वर्कआउट ज़्यादा करते हैं क्रेविंग्स बढ़ती हैं भूख बढ़ती है एनर्जी लॉस है, होते हैं दीज आर द थिंग्स दैट स्लो डाउन योर मेटाबॉलिज्म एंड आई डोंट वांट दैट फॉर यू सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन उसके बाद uh, uh, तंजीला का कमेंट है तंजीला इज वन ऑफ आवर प्रोग्राम की क्लाइंट है uh, तंजीला थैंक यू वेरी मच माई लाइफ स्टाइल इज चेंज विद योर प्रोग्राम थैंक्स टू यू थैंक यू तंजीला फॉर दैट लवली कॉमेंट इट इनकेज अस जुलेखा आप पूछ रही हैं हाउ डू आई मैनेज थायरॉयड फॉर वेट लॉस आई लूज फैट बट थायरॉयड इज अ बिग इशू जुलेखा जी थायरॉयड के जो मामला हैं उसके अंदर ये डिटर्मिन करने की जरूरत है कि आपको हाइपोथायरयडिज्म जो है क्या वो ऑटो इम्यून है या वो ऑटो इम्यून नहीं है क्योंकि अगर ऑटो इम्यून है तो इसका मतलब है कि योर बॉडी इज अटैकिंग योर थायराइड एंड मे बी देर आर सम फूड सब्सटेंसेस दैट यू आर इन टेकिंग मैंने जो नेक्स्ट सेशन में लैब रिपोर्ट्स की बात करनी है उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ ऐसे थायराइड के टेस्ट करवाएं जो कि नॉर्मली थायराइड पैनल के अंदर नहीं आते वो जब आप कराएंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि थायराइड का क्या मामला है बट अगर हम उस तरफ ना भी जाएं, इफ यू वॉन्ट जस्ट आंसर्स राइट नाउ तो थायराइड के लिए सिंपल यह है कि पीपल विथ थायराइड इशू नीड टू नॉट डाइट एट ऑल आपका थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी स्लो हुआ हुआ है तो आप अगर कम खाओगे और एक्सरसाइज ज्यादा करोगे और अगर आप अपनी नींद को और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आपका यह हाइपोथरडिज्म का सिचुएशन इट मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इज हाइपोथरेडिज्म को डील करने के लिए द बेस्ट अप्रोच इज हेल्थ लाइफ स्टाइल अप्रोच विच आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ सो जिस तरह हमने इस पार्ट के अंदर क्या कवर किया है द माइंड सेट एंड द लाइफ स्टाइल अप्रोच नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लैब टेस्ट के अंदर और कुछ और uh, चीज़ों की बात करेंगे जो लाइफ स्टाइल से रिलेट करती हैं सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन उम्म पूछ रही हैं डू वी हैव टू वॉक अलॉन्ग विद एक्सरसाइज वॉक म फहद इज़ ए बिग पार्ट ऑफ वडाई से कि वॉकिंग इज़ ए फटेस्टिक एक्टिविटी और इसका तरीक़ार ये है कि आपने ब्रिस्क वॉक नहीं करनी आपकी पेस ये हो सकती है कि आप थर्टी मिनट्स के अंदर तकरीबन दो हज़ार स्टेप्स कर रहे हैं मैक्समम थ्री थाउजेंड स्टेप्स तो आप ये देख रहे हैं ये पेस को इतनी ज़्यादा नहीं है और जब आप इस तरह की रिक्रिएशन वॉक करते हैं तो उससे आपके स्ट्रेस लेवल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और इस वॉक का मकसद कैलरी बर्निंग नहीं होता इसका मकसद होता है स्ट्रेस रिडक्शन ताकि आपके मेटाबॉलिज्म और हॉर्मोन्स को बैलेंस होने की अपॉर्चुनिटी मिले सो यस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एंड यू शुड डू इट ओके सकीना पूछनी है मे बी इट्स फेस पफिनस आई नो सकीना आपका पूरा क्वेश्चन क्या है आई एम अस्यूमिंग यूर टॉक अबाउट फेस पफीनस तो ये हो सकता है ना आई डोंट नो वॉट योर करंट सिचुएशन आई हैव गॉन थ्रू योर हिस्ट्री कि अगर वाटर रिटेंशन है फेस पफीनस है तो इट कुड बी देट यू आर रिटेनिंग वाटर ब्लोटेड है तो अगर ब्लोटेड हैं तो उसकी दो तीन वजूहत होती हैं एक तो ये कि जब आप अपनी कैलरीज को ज़्यादा खींच रहे होते हैं तो उससे जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है उससे वाटर रिटेंशन होती है और दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो उससे वाटर रिटेंशन होती है तीसरी चीज़ कुछ ऐसे फूड सब्सटेंसेज हैं जिससे आपको हो सकता है एलर्जी हो उससे वाटर रिटेंशन हो सकती है लाइक ग्लूटिन लाइक मिल्क मे बी इट कैन बी टमेटोज तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है आप इन चीज़ों को एलिमिनेट करके देखें एंड देन सी हाउ दैट वर्कस आउट फॉर यू और अगर वाटर रिटेंशन की बात कर रहे हैं तो जो मैंस्ट्रल साइकिल है द फीमेल मैंस्ट्रल साइकिल मेन्स से हफ्ता पहले भी वाटर टेंशन होती है दैट दैट कुड बी वन ऑफ द काज एज वेल सो सकीना जी आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एनी पूछनी आई फील डिजी इफ आई कट कार्ब्स फ्रॉम माय डाइट व्हाट शुड आई डू एनी मैंने हाइपोथायर का तो पहले आपको एक, 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 एक प्राइमर दिया जो आप कॉमेंट है आपका कटिंग काब्स यू डोंट नीड टू कट काब्स यू डोंट नीड टू कट काब्स यू नीड टू रेगुलराइज एंड यू नीड टू टाइम देम प्रॉपरली काब्स की इंटेक के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जहाँ पे आप काब रीफीड की भी बात करते हैं काब साइकिलिंग जिसको कहा जाता है आप उसकी भी बात करते हैं आप काब टाइमिंग की भी बात करते हैं आप काब्स की ग्रेजुअल रोडक्शन की भी बात करते हैं सो दिस नॉट अ साइंस बिहाइंड इट बट इफ़ वी कीप थिंग सिंपल तो मेरा जवाब आपको ये होएगा कि कार्ब्स को आपको इस तरह कट करने की जरूरत नहीं है डोंट ब्रिंग देम डाउन टू 50 ग्रामस जो ये कीटो डाइट के अंदर आजकल जो सिलसिला चल रहा है आई एम नॉट अ बिग एडवोकेट ऑफ दैट सो आई होप दिस answers your क्वेश्चन अमाज uh, पर पूछ रहे हैं डू यू प्रेफर हिट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर वेट लॉस आई वुड प्रेफर देखें हिट uh, ट्रेनिंग भी अच्छी होती है लेकिन अगर हिट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आई एम एन एडवोकेट ऑफ शॉर्टर वर्कआउट। सो इफ यू डूइंग हिट वर्कआउट यू कैन डू हिट वर्कआउट फॉर एट टू टेन मिनट्स एंड देन यू को डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर अनदर टेन मिनट्स तो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं बीस मिनट के वर्कआउट के अंदर एंड आई थिंक दैट वुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन यूजअली लोग हिट ट्रेनिंग क्या कर रहे होते हैं कि हिट ट्रेनिंग के अंदर वो 40-40 मिनट की हिट वर्कआउट्स कर रहे होते हैं देट इज़ अ बिट क्रेजी दैट इज़ अ बिट स्ट्रेचिंग इन टू मच इफ योर इंटेंसिटी इज़ दैट हाई देन योर ड्यूरेशन शुड बी नॉट टू मच ठीक है जी ओके okay, um, आगे चलते हैं नूर पूछ रही हैं कैन यू रिकमेंड एनी फुल बॉडी वर्कआउट विच हेल्प्स फैट लॉस जी बिल्कुल आई कैन uh, नूर इफ़ यू गो टू माई यूट्यूब चैनल अदनान फारूक इफ़ अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट जिसके ऊपर वर्कआउट्स uh, की पूरी पूरी, पूरी 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 वो मैंने एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है सो इफ़ यू गो टू माई यूट्यूब चैनल वहाँ पर आपको ये वर्कआउट्स मिल जाएंगे uh, एच HM एम आतिफ़ पूछ रहे हैं गेनिंग एंड लूजिंग ऑन रेगुलर बेसिस ट्राइड मैनी प्रोग्राम्स बट प्रॉब्लम डू आई थिंक आपने एफ एम सी ज्वाइन किया हुआ है आई थिंक यू शुड फॉलो इट उसके अंदर बहुत सी ऐसी गाइडलाइन हैं कि जो आपको अगर तो कोई फूड एलर्जीज हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर निकालेगा सो so, आप अपना जो फाइव वीक्स का कोर्स है वो uh, आतिफ़ साहब वो पूरा करें एंड देन इट वुड मेक सेंस के उस कंप्लीशन के बाद हम देखें व्हाट योर इज़ ठीक है जी सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन आगे चलते हैं आई हैव हाशी मोटोज थायर एनी कैरियर हाशी मोटोज अगर आपका आइडेंटिफाई हो चुका है विच इज़ द केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी दैन एनी यू नीट स्टे अवे फ्राम ग्लूटिन विच इज़ वीट एंड ऑल वीट एंड एंड ऑल वीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट इज गंग टू हेल्प योर ऑटो इम्यूनिटी और उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स हैं सिलेनियम आप लें बट इनकी डोजेज को बड़ा ध्यान से लेके चलना होता है आई एम क्रंच फॉर टाइम कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिंक है सिलेनियम है वाइटामिन डी है, uh, है और आपको ग्लूटिन से ग्लूटन uh, को आपको अवॉइड करना होगा एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प योर हाइपोथराडिज्म Uh, I have equally distributed fat all over. Could this indicate a problem with my thyroid? Uh, Ra rabia ji, we cannot rule out, uh, make a ruling like that. दैट जब तक हमें लैब टेस्ट ना करें हमें चीज़ें पता नहीं लगती सो वट आई डू इज़ वेन आई स्टार्ट आउट विद माई कोचिंग क्लाइंट्स माई फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज़ टू गेट लैब रिपोर्ट्स वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस के ऊपर प्लान बनता है सो आई वु रूल आउट के जी जिस ओवरऑल फैट डिस्ट्रीब्यूशन है तो थायरॉयड का इशू है इट मे नॉट बी द केस नॉट नेसेसरि ठीक है जी कुरुतलैन कह रही हैं वेट लॉस इज इम्पॉसिबल फॉर लेडीज विद हॉर्मोनल इशूज एट एज ऑफ फोर्टी वॉट आर योर व्यूज ऑन इट कुरुत लैन इंटरेस्टिंग एंड यू नो वॉट माई माई रिस्पॉन्स इज टू यू वेट लॉस फॉर लेडीज विद हॉमोनल इशूज एट फोर्टी इज

एक्सरसाइज से ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ेगी आपको स्लीप प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी आपको अपनी न्यूट्रिशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको अपनी वाइटमिन्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होंगी और आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा काम करेगी विच सिंपली मीन्स के आप एक्सरसाइज के अंदर इतनी हाई इंटेंसिटी पे नहीं जाएंगे यू वुल स्टे एट मॉडरेट इंटेंसिटी यू वुड वर्कआउट फॉर टू टू थ्री डेज बाकी टाइम पे आप वॉक वगैरह करेंगे दैट इज गोइंग टू हेल्प इन योर केस बिकॉज जब एज एक लेट्स से फोर्टीज पे चली जाती है ना तो बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं कि जिसके अंदर यू नीड अ ड्रेडिकली डिफरेंट अप्रोच लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि फ़िटनेस इंडस्ट्री का वन साइज़ फिट्स ऑल है चाहे वो 20 साल का बंदा हो चाहे वो uh, 40 का हो सारों को ही कैलोरीज कम कराई जाती हैं सारों को ही uh, मैं उसको कहता होता हूँ खोता ट्रेनिंग कराई जाती है ठीक है सो so, एज uh, को सामने रखते हुए यू नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली कुरुत मैं सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज करता रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि आज से 10 साल पहले मैं अपने एक एक घंटे के हिट वर्कआउट्स करता था एंड दे वर वर्किंग फॉर मी आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली नाउ व्हेन आई डू दिस इट डजेंट वर्क फॉर मी तो मैंने उसको अना का मसला नहीं बनाया मैंने अपनी जो आदत थी उसको चेंज किया मैंने अपनी अप्रोच अपनी अप्रोच को चेंज किया एंड माई न्यू अप्रोच सीम्स टू बी वर्किंग फॉर मी सो आपको माइंड को चेंज करना तो वो जो शुरू में मैंने बात की सो आई होप दिस हैज़ आंसर्ड योर क्वेश्चन सकीीना आप कह रही हैं आई हैव ची, चबी चीक्स तो आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दिस इशू हाँ अगर आपका वाटर टेंशन का मामला नहीं है सकीना तो आपने ये देखना है कि जब आपने फेस से फैट कम करनी है ना तो योर ओनली वे फॉरवर्ड योर ओनली वे फॉरवर्ड इज़ टू यूज़ बॉडी कॉम्पोजिशन यानी कि बॉडी फैट टेस्टिंग इज़ योर ओनली वे कि जब आप अपने अपने फैट लॉस रिजीम पे आओगे तो आप सिर्फ अपनी फैट को टारगेट कर रहे होंगे उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जब फैट लॉस कर रही होगी तो वो ओवरऑल जिस्म से वीक नहीं लगेगी वो स्ट्रेंथन और मस्कुलर होना शुरू हो जाएगी और उसी से ही फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी फै, फै, जो फेस फैट है वो भी थोड़ी सी टोन डाउन होएगी प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों का फ, आ, फ, आ, फैट फेस का चक्कर है चबी चीक्स का चक्कर है वो ओवरऑल वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो उससे उनकी बॉडी कमजोर लगना शुरू हो जाती है एंड दैट नेवर हेल्प सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन लुबना कह रही है फॉर पी सी ओ एस वन आवर वॉक इज सफिशिएंट और वर्कआउट इज वेल वॉक मेकिंग नो डिफरेंस लुबना जी पी सी ओ एस पोलिसिस्टिक सिंड्रोम एस्ट्रोजन आउट ऑफ बैलेंस प्रोजेस्ट्रॉन आउट ऑफ बैलेंस ऑक्सीटोसिन आउट ऑफ बैलेंस इंसुलिन आउट ऑफ बैलेंस कोटेस्टॉल आउट ऑफ बैलेंस टेस्टोस्टेरॉन आउट ऑफ बैलेंस मैंने छ हॉर्मोन्स आपको गिनवा दिए हैं वी आर डीलिंग विद ए हॉर्मोनल सिचुएशन स्टॉप फोकसिंग ऑन एक्सरसाइज यू नीड टू टेक अ लाइफ स्टाइल अप्रोच और उस लाइफ स्टाइल अप्रोच के अंदर फिर सारी चीज़ें आती हैं कि इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए क्या न्यूट्रिशनल अप्रोच ली जाएगी जिससे ये हार्मोन्स बैलेंस आउट होगे सो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स के जी वॉक करनी चाहिए बट दैट इज़ जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू नीड टू डू यू नीड टू जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ मैंने एक उन्होंने पूछा होता है आई थिंक कुरतलैन पूछनी थी कि अबब फोर्टी के जो हॉमोनल डिस्टर्बेंसेज होते हैं The same answer goes for you, right? So, I hope this answers your question. Zulekha, I was at the age of 45. I started working out diet and with thyroid. I was 104, now 70. Zulekha, that is a, a great, great accomplishment. And I think you've done very well. And uh, you, whatever you're doing, it is working for you. You need to continue that. Age is just a number. आई एग्री विद यू सकीना पूछ रही हाउ टू टारगेट फैट सकीना मेरी लास्ट जो वर्कआउट सॉरी लास्ट मेरी जो वीडियो थी दैट वॉज जस्ट अबाउट टारगेटिंग फैट यू नीट टू स्क्रोल डाउन मेरी जो लास्ट पिछले हफ्ते की वीडियो थी उसको डिटेल में देखें आपकी uh, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी रोशन um, पूछ रही हैं वाई इज लूजिंग लास्ट टेन पाउंड सो डिफिकल्ट सिंपल वो इसलिए कि आपने जो शुरू का जो वेट लूज किया ना उसमें आपने मसल भी लूज किया फैट भी लूज़ किया होगा लेकिन जब आपने ट्रेडिशनल वेट लॉस अप्रोच के अंदर क्या होता है जो ये एक्सरसाइज मोर एंड ईटिंग लेस जो डाइटिंग वाला जो तरीके का आ रहा है विच आई एम टोटली अगेंस्ट बाय द वे तो ये जो आपने 10 पाउंड से पहले जो लूज़ किया है उसमें आपने लीन मसल मैस ज़्यादा लूज़ किया है तो जब बॉडी लीन मसल मैस लूज़ करती है उससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है वेट तो लूज़ हो रहा होता है बट जब बॉडी के अंदर लीन मसल मैस कम होता है मसल कॉन्टेंट कम होता है उसका आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है नेगेटिवली तो बॉडी क्या करती है वो अपने मेटाबॉलिज्म को डाउन रेगुलेट करती है ठीक है और क्या करती है बॉडी को ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देती है तो ये दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि आपका आपका जो वेट लॉस का सिलसिला है वो वेट स्टक का मामला शुरू हो जाता है सो द वन थिंग यू नीड टू डू राइट नाउ इज गिव योर योर डाइटिंग वट एवर योर डूइंग गिव इट अ ब्रेक मे बी टू थ्री डेज थोड़ी सी लोडिंग करें मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा कंफ्यूज करें कि अब कैलोरीज आ रही हैं तो मेटाबॉलिज्म जब थोड़ा सा चलना शुरू होएगा ना फिर आहिस्ता आहिस्ता कट बैक करना शुरू करें आ, उससे उम्मीद है कि आपका सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन सिद्रा हाउ टू टारगेट फेस फैट वेयर टू फाइंड कंप्लीट गाइड सिद्धरा जी आई थिंक ये दो दफा ये टॉपिक आ चुका हुआ है सो आई एम गोइंग टू नोट दिस एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन टू माई लिस्ट ऑफ ऑफ कंसर्नस सो स्टेट ट्यून्ड मैं इसके ऊपर जरूर बात करूँगा लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आपने चबी चीक्स या फे फेस फैट को टारगेट करना है तो आपके लिए और कोई चारा नहीं है आपने आज के बाद से वेट को नहीं देखना आपने बॉडी फैट को देखना है और आपने इंचेस को देखना है एंड फॉर यू इट्स टेक अ लॉन्गर टाइम देन एनी बडी एल्स बिकॉज वेन यू टारगेटिंग एक्सक्लूसिवली बॉडी फैट

जवाब है देखें आपने जिस तरीके से सोबिया आपने वेट लूज़ किया उसमें आपने मसल मैच लूज़ किया है तो जब आप मसल मैच लूज़ करते हैं ना तो ख़्वीन के ख़ास तौर पर यह वाला ट्राइसेप जो एरिया है बैक ऑफ द आर्म ये जेली बन जाता है मैं अमूमन अपने जो मेरे पास जो ख़राब हुए हुए केसेज़ आते हैं ना तो मैं उनसे मज़ाक करता हूँ कि आपकी ट्राइसेप ऐसा है कि उसको हाथ लगाएं तो वो पाँच मिनट जेली की तरह हिलता ही रहेगा ठीक है वट दैट सिंपली मीन्स इज के आपने वेट लूज तो कर लिया बट यू लॉस्ट लीन मसल तो जब लीन मसल बॉडी में से निकलता है कॉलेजिन भी निकल जाता है जब कॉलिजिन निकलता है तो बॉडी जो स्किन की जो टोन होती है वो चली जाती है सो वट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू एड डाइटरी फैट्स इन टू योर डाइट यू नीड टू इम्प्रूव योर न्यूट्रिशन स्टॉप डाइटिंग एंड यू नीड टू डू आपने देखा होगा मॉडिफाइड पुशअप्स मॉडिफाइड पुशअप्स क्या होते हैं कि आप अपनी नीज को जमीन पे रख के पुशअप्स करते हैं और आपने क्या करना है कि काउंट फाइव ऑन योर वे डाउन काउंट फाइव ऑन योर वे अप रियली स्लो इसमें रेपिटेशन स्पीड आपकी बहुत स्लो हो और आप मॉडिफाइड तरीके से करें फॉर्म को सही तरह करें उससे आपकी ट्राइसेप फैट टारगेट होएगी लेकिन एक्सरसाइज इज़ नॉट गोइंग टू बी दी ओनली सोल्यूशन यू आर गोइंग टू हैव टू इंप्रूव योर न्यूट्रिशन थोड़ी सी आपको प्रोटीन ऐड करनी पड़ेगी थोड़ी सी Like about 50 60 grams per day, you si to add carbs and fats already. Bata so, you're going to have to take a, 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 a nutrition and smart exercise approach. So, I hope this answers your question. Uh, Rabia Kari, um, have tried numerous diets, I lose and then gain back. I'm 43 now. कैन यू गाइड मी टुवर्ड्स अ परमानेंट सोल्यूशन राबिया दैट्स वॉट वेयर टॉकिंग अबाउट आपने अगर इस वीडियो के शुरू में जाकर रिवाइंड करके देखें तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वेयर डूइंग सो आई नीड यू टू टेक एज यू वॉच द वीडियो अगेन आई नीड यू टू स्टार्ट टेकिंग पॉइंट्स राइट एम डाउन और uh, इस, इस वाली वीडियो को हम अगले वाले के साथ कंबाइन करेंगे you will have i'm i'm pretty sure you will have a lot of information that you can plug and play and be on your permanent weight loss journey theek hai ji so stick with me i will be uh, jo next week mai karunga uske andar ye baat karunga um <coughs> अच्छा जी आगे चलते हैं आई थिंक दैट्स अबाउट इट आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए सिद्रा का एक आ रहा है um, um, आई नीड टू लूज फाइव के जी एंड इट्स नॉट गोइंग डाउन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड शिदरा जो मैंने अभी बात की है कि वो जो लास्ट टेन पाउंड वाला भी मामला आया था आपका भी वही केस है विद वट एवर यू हैव डन यू हैव लॉस्ड मोर मसल दैन फैट एंड देट इज़ वाई योर मोटेबलिज्म हैज़ डाउन रेगुलेटेड इट सेल्फ दैट इज द रीजन अभी मैंने उस बात को रिपीट किया सोगाइज़ आई थिंक दिस रैप्सअप और सेशन आई होप कि आप लोगों को इंसाइट मिला आएगा माई गोल अगेन हेयर इज़ टू educate you to put you on the right path uh, i kid you not aur iske andar main apni koi personal selling nahi kar raha you can see the approach i have with you uh, and i'm talking to you very honestly um jab aap apne mindset ko apni approach ko change karenge na आप देखेंगे आपके results बेहतर होने शुरू हो जाएंगे लेकिन हमारे लिए problem यह है कि इसको हम change नहीं करते है. हम नई चीज़ों को accept नहीं करते है. The 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 uh, science ऑफ़ हेल्थफुल वेट लॉस एंड बूस्टिंग मेटेबलजम इज़ सो डिफरेंट दैन वट यू नो दैट अगर मैं वो बातें करना शुरू करूँ तो आप हर चीज़ को कहेंगे हर चीज़ को जो हमने सीखी हुई है उसको सारी चीज़ों को काटा मार रहा है उन सारी बातों को रद्द कर रहा है उन सारी बातों की ऑपोजिट बात कर रहा है वो इसलिए बिकॉज नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ दैट आई एम सो डिफरेंट इट्स जस्ट दैट दाइंस हैज चेंज ड्रास्टिकली बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर उस चेंज को एम्ब्रेस नहीं किया विदऑट यू रिस्पेक्ट सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर यूर टाइम यू हैव है ऑल दीज मिनट्स ये आपने काफ़ी मुझे अपना दिन का चंक दिया आई होप दैट हैज एडिड वैल्यू टू यू आई होप दैट हेज गि परस्पेक्टिव एंड आई सिंसियरली होप दैट दिस बेनिफिट यू आपने वन लास्ट थिंग जब आप ये वीडियो जब देख लें तो गो बैक रिमाइंडेड टेक नोट्स अगली वीडियो को जब हम इसके साथ कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट अ कंप्लीट पिक्चर गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर बींग ऑन दिस पेज एंड आई रियली वैल्यू योर टाइम एंड योर योर कॉमेंट्स थैंक यू